यहाँ पे पहले से ही थाली लगा हुआ है, गुजराती ऑथेंटिक थाली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कर 10 o'clock। दोस्तों आपका भाई लेके आ चुका है एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज सोमवार और आज पापा का छुट्टी है, तो हम और पापा जा रहे हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि भाई अगर आप गुजरात गए हैं तो वहाँ का गुजराती थाली का जरूर वीडियो बनाइए, तो आज हम वही आप लोग का डिमांड पूरा करने वाले हैं। वैसे भी मैं सूरत आया हुआ हूँ तो सोचा कि गुजराती थाली ट्राई करना तो बनता ही है भाई। अगर गुजरात आया गुजराती थाली नहीं ट्राई किए तो फिर क्या ट्राई किए। अगर किसी राज्य में गए वहाँ का लोकल फूड, वहाँ का लोकल खाना, जो लोग वहाँ के लोग खाते हैं वो अगर हमने नहीं ट्राई किया तो फिर क्या ट्राई किया। तो आज आप लोग के बहुत ही ज़्यादा वाला डिमांड पे हम लोग जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने गुजराती थाली का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अभी तक अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं पूरा पता हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग गूगल करके और अपने लोकेशन पर पहुँच सकते हैं अगर आप गुजरात आते हैं घूमने और गुजराती थाली खाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हैं, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग पेट्रोल डलवाने पेट्रोल टंकी पे। यहाँ पे क्या रेट चल रहा है पापा पेट्रोल का? 96 रुपये लीटर। भाई साहब यहाँ 96 रुपये लीटर चल रहा है, अपने यहाँ भी पता नहीं कितना चल रहा है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे 96 रुपया 31 पैसा। फाइनली दोस्तों अपने बाइक का फुल टैंक हो गया, अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। दोस्तों हम आ गए सासू माँ। दोस्तों सासू माँ हम किस लिए आए आपको पहले भी बता चुके हैं, दोस्तों फिर से बता देते हैं। दोस्तों हम सासू माँ आए हैं यहाँ का सूरत का गुजरात का ट्रेडिशनल गुजराती थाली ट्राई करने। भाई गुजरात आए हैं, यहाँ का लोकल खाना नहीं ट्राई किए, लोकल गुजराती थाली नहीं ट्राई किए तो फिर क्या ट्राई किए। यहाँ पर 2 बेहतरीन होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं। ये देखिए एक कंसार गुजराती थाली करके, एक सासू माँ गुजराती थाली करके। तो हम जाने वाले हैं सासू माँ में, और एक सामने भी है जो कि बहुत फेमस है। अगर यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करते हैं गूगल करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सासू माँ रेस्टोरेंट के अंदर, आपको फिर वहाँ का थाली ट्राई करके बताते हैं कि क्या टेस्ट है। दोस्तों अपना जो रेस्टोरेंट है सेकंड फ्लोर पे है, हाँ ऊपर है, यहाँ पे मंदिर भी है जो कि अभी बंद है। चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं सासू माँ रेस्टोरेंट के अंदर। भाई साहब यहाँ पे पहले से ही थाली लगा हुआ है, गुजराती ऑथेंटिक थाली लगा हुआ है, मतलब अभी कोई आइटम नहीं आया है, बस थाली थाली दिख रहा है। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, पापा भी बैठ गए हैं। पापा ट्राई करने वाले नहीं है क्योंकि भाई 25 साल से पापा ये सब खाना खा रहे हैं यहाँ का। नहीं बस पापा को चाहिए यूपी बिहार वाला स्पाइसी खाना, और क्योंकि मीठा खा खा के पक गए। तो अपना थाली पहले लग चुका है जिसमें बहुत सारे कटोरी हैं, क्या क्या आइटम आएगा सब आपको दिखा देंगे। तो फाइनली उसका अपना खाना ग्रीन चटनी ठीक, सॉस टमाटो सॉस जी। तो अपना चुकंदर ग्रीन चटनी
और रेड चटनी आ चुका है टमाटो वाला, बाकी अभी आ रहा है जैसे जैसे वैसे दिखाएंगे। कौन कौन सी सब्जी है भैया बताते हैं? चली क्या? चली का सब्जी, चौली। अच्छा चौली। आलू टमाटो? आलू टमाटो जी। ये सरक? सरक बासी ड्रम स्टिक जी। पनीर वेज कोला पूरी, केसर रबड़ी स्वीट, केसर रबड़ी स्वीट डिश। भाई गुजराती थाली में आपको चाट, अच्छा चाट, चाट भी आ गया, पापड़। भाई साहब आते ही जा रहा है लगातार। दोस्तों आप लोग गुजराती थाली में हल्का स्पाइस के साथ आपको बहुत ढेर सारा मिठास भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों भैया? मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं गुजराती लोग। हाँ। ये क्या है? खजूर का हलवा। हलवा किस चीज़ का है? खजूर का। खजूर मतलब? खजूर। अच्छा खजूर का हलवा, खजूर का हलवा, ड्राई फ्रूट वगैरह डालो। ये क्या भैया? गुजराती दाल। थोड़ा स्वीटनेस भी होगा इसमें नहीं? ये पंजाबी दाल, खमन, दमनी ढोकला, आलू झोला। क्या ना, क्या है इसका नाम? आलू झोला, दमनी ढोकला। दमन ढोकला और ये क्या बोल? आलू झोला। आलू झोला। हाँ। अच्छा आलू झोला, दमन ढोक, ये ढोकला। चपाती का साइज देख के काफी अच्छा लग रहा है, काफी क्यूट सा है, छोटा सा है। गुजराती खाना खाते हैं तो उसमें छाछ कंपलसरी है। तो ये अपना टोटल आइटम, टोटल आ चुका ना? अच्छा पूरी भी आएगा? अच्छा पूरी और, अच्छा ठीक है, पूरी और राइस मिलेगा। जब आप लोग ये खा लेंगे तब राइस आपको लास्ट में मिलेगा। बाकी अभी इसे देख के मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो चलिए फटाक से ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। तो दोस्तों ये अपना गरम गरम पूरी आ गया, बस राइस रह गया है। जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा रोटी वगैरह पूरी वगैरह, तो फिर आपको राइस भी दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या ट्राई किए हैं, पहले पूरी के साथ ये पनीर का सब्जी ट्राई करते हैं। वैसे भी पूरी पनीर का सब्जी तो हम लोग खाते ही रहते हैं, पर यहाँ पे देखते हैं कि गुजरात में कैसा टेस्ट है। पनीर का सब्जी जो है थोड़ा स्पाइसी है, स्पाइसी लग रहा है थोड़ा, बाकी भी ट्राई करते हैं कि वो कैसा लग रहा है सब्जी। अब दोस्तों ये बटर रोटी के साथ गुजराती सब्जी ट्राई करते हैं। भाई क्या क्या नाम बताएं लो, अभी हम भूल गए। बाकी ये बीन्स की तरह कुछ लग रहा है, ये इसमें डाला हुआ है, उसको क्या कहते हैं पता है, वो ग्रीन वाले को, दाल को, मूंग का दाल, मूंग का दाल का है, मूंग का दाल सब्जी। भाई ये भी इसमें स्वीटनेस नहीं है, ये स्पाइसी है थोड़ा। अब ये आलू टमाटो टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। इसका भी टेस्ट नॉर्मल है, हल्का ही स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ये ड्रम स्टिक ट्राई करते हैं, ड्रम स्टिक इसका जो है टेस्ट थोड़ा स्वीटनेस है। ये हम लोग के वहाँ इसको सहजन कहा जाता है, सहजन का ये सब्जी है। और इसका जो ग्रेवी है ना, काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस है इसमें भैया। बेसन, बेसन रहता है, बेसन रहता है, बेसन हाँ, का ग्रेवी रहता है ये, दही और बेसन, दही और बेसन का ग्रेवी रहता है। और हल्का गुड़ भी डाला गया है इसमें स्वीटनेस के लिए, क्योंकि गुजराती का थाली में कंपल्सरी होता है खाने में ड्रम स्टिक। बाकी ये चाट, चाट भी ट्राई, कौन सा चाट है ये? पापड़ी चाट, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा। दही है, पापड़ी है, पहले ये ऐड नहीं था ना आपके थाली में, चाट ऐड था पहले।
बाकी ये ढोकला खमन हम लोग यहाँ मिलता है तो इसको ढोकला कह के बेचते हैं यूपी में, इधर खमन, यहाँ भी ढोकला, ढोकला ही कहते हैं। खमन वो अलग, पीला वाला वो अलग। अच्छा, ये भी स्वीट नहीं है, नॉर्मल है। इसको चटनी के साथ ट्राई करता हूँ, और काफी ज्यादा स्पंजी है। तो देख लीजिए, जो लोग ढोकला को खमन कहते हैं, खमन को ढोकला कहते हैं, उनके लिए यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। क्यों पापा? पापा छाछ पीने में लगे हुए हैं। बाकी इसका क्या नाम बताए थे, ये भी समोसे की तरह ही लग रहा है। इसको टेस्ट करते हैं, पहले ऐसे नॉर्मल टेस्ट करके देखते हैं। ये जो अपने आप गुजिया बनता है ना, एकदम वैसे ही है, बस इसमें सूजी की जगह पे ये आलू का चोखा स्टफ कर दिया गया, बेसन है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ गुजराती, खाली थोड़ा सा बताने में अगर गड़बड़ी हो रहा है तो माफ कीजिएगा। उसमें पूरा स्वीटनेस है। बाकी ये गुजराती दाल, इसको भी ट्राई करते हैं, इसके कैसे मांग लेंगे भैया अभी जगह। गुजराती दाल, इसमें स्वीटनेस है, इसमें गुड़ डाला हुआ है। ये है पंजाबी दाल, गुजरात का पंजाबी दाल, इसको ट्राई करते हैं। ये तो अपने यहाँ जैसे दाल मिलता है वैसे ही है पंजाबी दाल। बाकी ये दाल खास है, गुजरात का है, और इसमें हल्का स्वीटनेस है। साथ में मिला है ये रबड़ी, और रबड़ी तो भाई साहब सबका फेवरेट होता है, गुजरात में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिलता है। इसको ट्राई करते हैं, एकदम गाढ़ा है, एकदम गाढ़ा है, अच्छा लग रहा है। बाकी ये मूंग का हलवा, बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, इसको भी टेस्ट करते हैं। भाई साहब खाना का टेस्ट एक नंबर है, तो चलिए इसको फटाक से निपटाते हैं। तो दोस्तों, ये जो गुजराती थाली है अनलिमिटेड है, 300 की ये थाली है पूरी, और अनलिमिटेड है, जो चीज़ आपको लेना है वो जितनी बार ले सकते हैं। हमने फिर से दोबारा रिफिल कराया है, ये ढोकला लिया है, फिर ये लिया है, चपाती लिया है, और बाकी पूरा सब्जी हमने फिर से रिफिल कराया है। जब तक भाई पेट ना भर जाए तब तक खाते रहो। और ये सब खाना खा के भाई मन करता है खाते ही जाओ, गुजरात में आके मन करता है खाते ही जाओ। मेरे भाई इनका ये ढोकला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा स्पंजी है। तो फाइनली तो हमने 7-8 रोटी खा लिया, पूरी खा लिया, अब हमने लिया है राइस और पंजाबी दाल, क्योंकि भाई गुजराती दाल के साथ हम राइस एकदम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्वीटनेस है, और पंजाबी दाल नॉर्मल है, स्पाइसी है थोड़ा सा। इसके साथ हम खाएंगे गुजराती सब्जी। अगर सब्जी के साथ हम ये राइस ना खाएं, सिर्फ दाल और चावल खाएं, तो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो फाइनली तो अपना खाना पीना हो चुका, और भाई साहब यहाँ तक नहीं, पूरा यहाँ तक हमने खा लिया है, भर के पूरा। पापा मजे ले रहे थे। अब पीते हैं छाछ, जो कि गुजराती खाने के बाद कंपलसरी है छाछ पीना गुजरात में। छाछ भी एकदम अच्छे से बनाया गया है, ये पैकेट वाला छाछ नहीं है, ये घर का बना हुआ छाँस है। सासू माँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है गुजरात का, जहाँ पे आपको एकदम घर की तरह, चमाई राजा की तरह आपको देखभाल किया जाएगा, खाना पीना खिलाया जाएगा एकदम आदर और सम्मान से। खाली अपना टोटल बिल आ चुका है, कितने का हुआ? 300 का हुआ है अपना टोटल बिल। तो इसको पे करते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए, घर जाके सीधे आराम करना है बस। फाइनली उसको हम खा पी के निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से बाहर। भाई साहब यहाँ तक नहीं खाया हमने, पूरे यहाँ तक खाया, काफ़ी अच्छा इनका खाने का टेस्ट था। दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा जो आइटम लिया वो था उनका हलवा, दूसरा था रबड़ी, और तीसरा था वो बम स्टिक, जो कि हम लोग अपने गांव में कहते हैं सहजन का सब्जी। उसका ग्रेवी इतना अच्छा लग रहा था ना, या चाहे आप रोटी से खाइए, चाहे पूड़ी से खाइए, चाहे राइस से खाइए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था इनका खाना, एक नंबर। 300 में अनलिमिटेड है, मस्त आइए और खाइए, जब भी गुजरात आइए सासू माँ का थाली ज़रूर ट्राई कीजिए।